वेल तो हे गाइस, वेलकम टू दी माय चैनल मानिस पंकज। तो वेल, इस वीडियो में बात करने वाले हैं थियोरी के बारे में। ऑब्वियसली बहुत सारी वीडियोस थियोरी के ऊपर बन रही हैं, सो इसके बारे में बात करने वाले हैं, डीन एम्ब्रोस के थियोरी के बारे में। सो बहुत सारे जो कि अभी रूमर्स देखने को मिल चुके हैं, जैसा कि हमें कल रात में रसल वोट्स की तरफ से रिपोर्ट देखने को मिला है कि कोई ऐसा फॉरबिडन डोर हमें खुलते हुए दिखाई देने वाला है, कि कोई ऐसा सुपरस्टार देखने को मिलेगा जो कि एक बहुत बड़ा सुपरस्टार होने वाला है एंड वो रॉयल रंबल में अपना एंट्रेंस करते हुए दिखाई देने वाला है। ओके, सो जिस तरफ से हमें ये सोर्स देखने को जो कि रसल वोट की तरफ से, सो ज्यादा लोग इस चीज के ऊपर बिलीव करते हैं कि रसल वोट की हमें जो भी रिपोर्ट देखने को मिलती है वो 110% सही रहती है, लेकिन उतना भी नहीं कह सकते, लेकिन 100% से समझ लो 99% सही रहती है। सो ओवरऑल यहां पे हमें कोई ना कोई सरप्राइज एंट्रेंस देखने को मिल सकता है, एंड ये कोई भी सुपरस्टार हो सकता है, या ये डीन एम्ब्रोस हो सकते हैं यानी कि जॉन मॉक्सली, एंड इसके बाद या फिर ये हो सकते हैं क्रिस जेरिको, सीएम पंक, या फिर हो सकता है इंपैक्ट रेसलिंग के हमें मूव्स देखने को मिले। सो ऐसे कुछ चांसेस यहां पे देखने को मिल सकते हैं, एंड जैसा कि हमें नई पॉलिसी देखने को मिली है WWE की, जो WWE है वो सभी के साथ बिजनेस करना चाहती है एंड कौन सी भी कंपनी। पहले तो हमें इंपैक्ट रेसलिंग यहां पे देखने को मिल चुकी है, एंड यहां पे मे भी हमें अगला जो देखने को मिले वो हो सकता है ऑल एलीट रेसलिंग, यानी कि AEW के साथ अगर बिजनेस में आती है WWE, सो मे भी हमें बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स देखने को मिल सकते हैं जो कि WWE के एक्स सुपरस्टार्स हैं, एंड वो सुपरस्टार हमें देखने को मिल सकते हैं WWE के रॉयल रंबल पेपरव्यू के अंदर। एंड जहां पे बात आती है सबसे बड़े सरप्राइज फैक्टर की, तो ऑब्वियसली WWE सरप्राइज फैक्टर देने में माहिर है, एंड यहां पे अगर कोई सरप्राइज फैक्टर बन सकता है तो वो सुपरस्टार और कोई नहीं, वो सुपरस्टार डीन एम्ब्रोस बन सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि सीएम पंक जैसे सुपरस्टार देखने को मिले। एंड जैसा कि हम लोग को पता है कि सीएम पंक का अच्छा खासा वाला बीफ चल रहा है WWE के साथ में, तो चांसेस कम है कि हमें सीएम पंक देखने को मिल सकते हैं, एंड यहां पे अगर किसी के चांसेस बन सकते हैं सो वो हो सकते हैं डीन एम्ब्रोस, यानी कि डीन एम्ब्रोस का मे भी हमें हो सकता है कि जो जॉन मॉक्सली है वो हमें एक बार फिर से डीन एम्ब्रोस बनते हुए दिखाई दे जाए एंड उनका रिटर्न रॉयल रंबल में एक सरप्राइज एंट्रेंस देखने को मिल सकता है। एंड अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई वो रिहैब सेंटर में है, सो जैसा कि तुम लोग को बता दूं कि हमें रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं, जो डीन एम्ब्रोस है उनका हमें मैच देखने को मिलने वाला जो कि 23 जनवरी को मैच होगा, एंड 23 जनवरी को यह मैच हमें देखने को मिलने वाला होमिसाइड के साथ में, एंड GCW में अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले यहां पे जो कि जॉन मॉक्सली, डीन एम्ब्रोस, एंड उसके बाद तो उनका हमें जो कि रिटर्न देखने को मिलेगा AEW में, एंड 23 जनवरी को इनका रिटर्न देखने को मिल रहा है, एंड जो रॉयल रंबल है वो हमें देखने, तुम सभी लोग जानते हो, वो होगा 30 जनवरी को। सो यहाँ पे 23 जनवरी को इनका इन रिंग रिटर्न देखने को मिलेगा GCW में, एंड यहाँ पे फुल चांसेस बनते हैं कि हमें इनका 30 जनवरी को भी रिटर्न देखने को मिल सकता है। एंड अब एग्जांपल के तौर पे तुम ले सकते हो कि GCW में जब एंट्री इनको मिल रही है डीन एम्ब्रोस को, एक जॉन मॉक्सली को, एंड इसके बाद हमें इनकी एंट्री देखने को मिली है जो कि NJPW के अंदर, सो यहाँ पे स्टिल चांसेस ऐसे भी हैं कि जो अगर कॉन्ट्रैक्ट टॉक्स में आती है जो कि WWE और AEW, सो चांसेस हो सकते हैं कि हमें डीन एम्ब्रोस AKA जॉन मॉक्सली उनका मे भी रिटर्न हो सकता है WWE के अंदर, ये चांसेस भी यहां पे देखने को मिल सकते हैं। सो ओवरऑल कुल मिला के अगर बात करें तो चांसेस काफी ज्यादा अच्छे खासे तरीके से है कि डीन एम्ब्रोस मे भी एक बार फिर से हमें जो कि WWE के अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं, मे भी शॉर्ट टर्म के लिए अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं, फिर भी सिर्फ रॉयल रंबल के लिए, मे भी एक शॉकर एंट्रेंस बन के। एंड अगर जब डीन एम्ब्रोस को ऑब्वियसली जब जॉन मॉक्सली को रॉयल रंबल में देख लेंगे, सो भाई काफी बड़ा यहां पे स्टिल चांसेस बन जाएगा कि मे भी रॉयल रंबल जीत जाए, क्या पता कोई बाहर का बंदा आके रॉयल रंबल जीत, एंड रोमन रेंस सेथ रॉलिंस का मैच ही चल रहा है जो कि ऑब्वियसली हमें रॉयल रंबल में देखने को मिल रहा है, जो कि एक काफी अच्छा खासा मैच देखने को मिलेगा। सो स्टिल चांसेस है, मे बी क्या पता हमें ट्रिपल थ्रेट रेसलमेनिया मैच बनते हुए दिखाई दे सकता है। देखो यार, कॉन्ट्रैक्ट टॉक्स के ऊपर है, एंड अगर WWE अच्छे खासे तरीके से कोई प्लान बनाती है सो मे बी हमें ऐसा कुछ थिंग देखने को मिल सकता है, एंड जो गलती हुई थी WWE से उस गलती को यहां पे मतलब एक तरीके से बराबर करने का जो कि मौका आ चुका है, एंड जिसको ठीक कर सकती है WWE, एंड मे बी इसके बाद क्या पता डीन एम्ब्रोस वापस कंपनी के अंदर भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। सो स्टिल चांसेस है कि मे बी डीन एम्ब्रोस का रिटर्न होते हुए दिखाई दे सकता है, एंड मे बी रॉयल रंबल में हमें कोई और भी देखने को मिल सकता है, डिसअपॉइंटेड मत होना, लेकिन मे बी हमें डीन एम्ब्रोस भी देखने को मिल सकते हैं या फिर कोई और भी बंदा देखने को मिल सकता है, एंड मे बी हो सकता है इंपैक्ट रेसलिंग का कोई बंदा देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी डील जो चल रही है उन्हीं के साथ में देखने को मिल रही है, एंड WWE एंड AEW अभी खुल के नहीं आई है, अगर खुल के आने वाला होगा तो भाई रॉयल रंबल में हमें सरप्राइज देखने को मिल जाएगा, सो उस थिंग को भी ओवरऑल देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। सो आप लोगों का क्या ओपिनियन है वो मैं जरूर जानना चाहूंगा, आप लोगों का जो भी ओपिनियन रहेगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करो, डिसलाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना है कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पे जाके जरूर फॉलो भी कर सकते हो, एंड जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या करो यार, ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वेल सो फिन मिलते हैं वैसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को
को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने आरकेओ था लगाया।